हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से हम अपने व्हाट्सएप को बिना ओपन किए हुए भी उसके सभी मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जिसने भी आपको मैसेज सेंड किया है तो उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने मैसेज को रीड किया है या नहीं किया है। वैसे तो फ्रेंड्स ये काम हम जीवी व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जीवी व्हाट्सएप को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी किसी को मैसेज करते हो और वो अगर उस मैसेज को रीड कर लेता है तो मैसेज के नीचे आपने टू ब्लू टिक्स देखे होंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही होता है कि जिसको भी आपने मैसेज सेंड किया है तो उसने इस मैसेज को पढ़ लिया है। लेकिन फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन की मदद से इस चीज़ को खत्म कर सकते हो और जो भी आपको मैसेज करता है तो उसको ये पता लग ही नहीं पाएगा कि आपने इस मैसेज को रीड किया है या नहीं किया है। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस, जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो एप्लीकेशन है अनसीन एप्लीकेशन। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम अपने व्हाट्सएप को बिना ओपन किए हुए सारे ही मैसेज पढ़ सकते हैं और जो भी मैसेज सेंड करेगा तो उसको ये पता लग ही नहीं पाएगा कि हमने मैसेज को रीड किया है या नहीं। तो आप भी अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां से इस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ टिप्स दिखाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको स्लाइड कर लीजिए। और अब हमको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पर इनेबल एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पर अब ओके कर देते हैं। और अब यहाँ से बैक हो लेते हैं और अब आप यहां पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये एप्लीकेशन एक फ्री वर्जन एप्लीकेशन है। अगर आपको इसका पेड वर्जन एप्लीकेशन चाहिए जो कि ऐड फ्री होता है तो फिर यहां से आप नो एड्स पे क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को केवल फ्री एप्लीकेशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चार एप्लीकेशन के मैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें जो सबसे पहला FB अकाउंट दिया गया जो कि मैसेंजर है, इसके अलावा यहाँ पर हमें टेलीग्राम दिया गया है, वाइबर दिया गया, इसके अलावा यहाँ पर हमें व्हाट्सअप भी दिया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर केवल व्हाट्सअप का यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो चारों ही एप्लीकेशन के मैसेज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फेसबुक को एक्टिवेट कर सकते हैं, व्हाट्सअप को एक्टिवेट कर सकते हैं, वाइबर या फिर टेलीग्राम, जिसके भी हमको मैसेज रीड करना है इस एप्लीकेशन के थ्रू तो वो यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं और बाकी को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ नोटिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ बैक और अपने पैरेलल व्हाट्सएप से अपने मेन व्हाट्सएप पे मैसेज करके देखता हूँ क्या वाकई इस एप्लीकेशन में जो हमारे मैसेज हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे और ये किस तरह से काम करता है। तो ये है मेरा पैरेलल व्हाट्सएप और यहाँ से मैं अपने मेन व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके देखता हूँ। यहाँ से लिख देता हूँ हाय और सेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हाई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, साथ ही इस एप्लीकेशन का भी आप यहाँ पर आइकॉन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और मैसेज कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम अनसीन एप्लीकेशन के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारे ही मैसेज नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन मैसेज को पढ़ सकते हैं। साथ ही हम बात करें तो जिसने भी हमको मैसेज किए हैं, जैसे फिलहाल तो मैंने अभी मैसेज किए हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें रीडिंग के टिक दिखाई देते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी यही शो हो रहा है कि जिसको भी हमने मैसेज किए हैं तो उसने अभी तक मैसेज रीड ही नहीं किए हैं, जबकि मैं मैसेज को पढ़ भी चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम चलिए और कुछ मैसेज कर देते हैं। और अब चलते हैं अपनी अनसीन एप्लीकेशन पे और यहाँ से हम इन सभी मैसेज को पढ़ सकते हैं और साथ ही यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के थ्रू रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रिकमेंडेड कर देगा हमारे व्हाट्सएप पे। तो चलिए यहाँ पर अगर हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पॉपअप नज़र आ रहा है जिसमें यही बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर रिप्लाई करते हो तो आप चले जाओगे व्हाट्सएप पे और जिसने भी आपको मैसेज किया है तो उसको पता चल जाएगा कि आप मैसेज को रीड कर चुके हो। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम ओके कर देते हैं और यहाँ से एक रिप्लाई कर देते हैं और अब चलते हैं अपने पैरेलल वाले व्हाट्सएप पे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी मैसेज के सामने रीड का भी टिक लग के आ गया है।
और हमको पता लग चुका है कि हमारे मैसेज अब रीड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक आप अपने व्हाट्सअप को ओपन नहीं करते हो, केवल अनसीन एप्लीकेशन में से ही मैसेज पढ़ते हो, तो जो भी मैसेज भेजता है आपको, उसको पता नहीं लग पाएगा कि आपने मैसेज को रीड किया है या नहीं किया है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही था। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।